Hello folks and welcome back to yet another video from my channel interactive education running for the best education possible from the student to the student. I am Deep Singh and I am back with one class 10 history chapter the age of industrialization part two and this will about hand labor and steam power. So in the previous video we have discussed how basically uh, proto-industrialization: how it went about, how the concept of proto-industrialization was popular in England and parts of Europe, and also we discussed how finally factories came up in the 1730s, that is the mid 18th century, and how the pace of industrial change progressed. But now we are going to hand labor or steam power, their importance. Tha? कैसे हैंड हैंड लेबर लेबर काफी देर तक बहुत रही और किन-किन एरियाज़ -किन में का ज़्यादा था स्टीम पावर की भी हम थोड़ी बात करेंगे कैसे स्टीम well. तो पहले तो हमें समझना होगा लेबर का क्या इंपॉर्टेंस था तो पहले तो इंपॉर्टेंस ऑफ हैंड लेबर ये समझने वाली बात है कि ब्रिटेन में हैंड लेबर बहुत इंपॉर्टेंट थी और ब्रिटेन में हैंड लेबर बहुत वैल्यूड भी थी क्योंकि ब्रिटेन में हैंड लेबर की कोई शॉर्टेज नहीं थी ब्रिटेन में बहुत वर्कर्स थे ब्रिटेन में बहुत हैंड लेबर अवेलेबल थी तो कोई शॉर्टेज नहीं थी और अबंडेंटली अवेलेबल थी जो इंडस्ट्रियलिस्ट थे उनके लिए भी इजीली एक्सेसिबल थी पुअर पेजेंट्स सिटीज की तरफ गए

और आपको यहां एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट समझना होगा कि जो वेज अमाउंट है जो वेज अमाउंट वो ऑफ वर्कर्स अगर नंबर ऑफ वर्कर्स ज्यादा होंगे तो वेजेस कम होंगी और अगर नंबर ऑफ वर्कर्स कम होंगे तो वेजेस ज्यादा होंगे इसका एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट है अगर मेरे पास पांच लोग हैं ए बी सी डी और ई e,

सी नहीं करेगा तो डी के पास जा सकता हूँ डी नहीं करेगा तो ई के पास जाता तो, हूँ इनमें से कोई ना कोई तो मानेगा ही ना चलो बीस रुपया पर आर हमें जॉब तो मिल नहीं रही जॉब मिल रही है तो उसकी कदर करनी चाहिए इतना ही मिल रहा है तो वी विल डू तो एक्चुअली मैं यहाँ कम वेज दे रहा हूँ फिर भी मेरे पास चॉइस बहुत ज्यादा है चॉइस बहुत ज्यादा है

अभी कुछ कुछ इंडस्ट्रीज थी जो सीजनल इंडस्ट्रीज थी मतलब वो थ्रू आउट ईयर नहीं चलती थी स्पेसिफिक सीजन में चलती थी इन सीजनल इंडस्ट्रीज में लेबर की डिमांड भी सीजनल होती थी यहां पे हम सीजनल इंडस्ट्रीज को तीन वेज में देख सकते हैं कोल्ड मंथ्स की जो सीजनल इंडस्ट्रीज थी वो थी गैस वर्क्स और ब्रिवरीज ऑब्वियसली गैस वर्क्स और ब्रिवरीज कोल्ड मंथ्स में ज्यादा बिजी होती थी क्योंकि ब्रुअरीज में अल्कोहल प्रोडक्शन होता था और ये अल्कोहल कोल्ड मंथ्स में कंज्यूम की जाती थी क्योंकि ये देती थी बॉडी को तो ब्रुअरीज और गैस वर्क जहां पे बेसिकली चिमनीज और हीटर्स uh, वगैरह का प्रोडक्शन होता था ये सब कोल्ड मंथ्स में बहुत पीक uh, मैन्युफैक्चरिंग uh, करते थे इन टाइम्स में ड्यूरिंग कोल्ड मंथ्स क्योंकि इनकी मार्केट उस ट्रेंथ बहुत हाई थी तो ये हैंड लेबर की रिक्वायरमेंट उन्हें कोल्ड मंथ्स में होती थी इन पीक मंथ्स ऑफ द कोल्ड मंथ्स ठीक है टू मीट द डिमांड ऑब्वियसली डिमांड बहुत ज्यादा होती थी तो वो डिमांड मीट करने के लिए इन्हें कोल्ड मंथ्स में जो कि इनके पीक मंथ्स होते थे उस टाइम हैंड लेबर की जरूरत पड़ती थी फिर आते हैं क्रिसमस मंथ्स क्रिसमस के टाइम आपको पता है बहुत बड़ा फेस्टिवल होता था इंग्लैंड में एंड इन द यूरोपियन कंट्रीज तो वहां पे बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स इनकी मार्केट बहुत इंक्रीज हो जाती थी इस, इस इन मंथ्स में क्योंकि इस टाइम पे गिफ्ट्स देने का रिवाज रहता था और बुक बाइंडर्स और प्रिंटर्स यही गिफ्ट्स बुक्स बाइबल्स ये सब प्रिंट करते थे ताकि ये एक्सचेंजेस हो सके तो इसीलिए इनकी मार्केट इस टाइम पे बहुत ज्यादा रहती थी और ये हमेशा एक्स्ट्रा हैंड्स ढूंढते थे बिफोर डिसंबर तो बिफोर डिसंबर बिकॉज डिसंबर में क्रिसमस होता था तो डिसंबर से थोड़ा सा पहले और ट्वेंटी फिफ्थ से थोड़ा सा पहले इनका हमेशा एक्स्ट्रा हैंड्स ढूंढने में रहते थे ताकि इनकी डिमांड मीट कर सके और अगर हम शिप रिपेयर को मंथ्स में होती थी तो रिक्रूट होती, होती थी विंटर मंथ्स के टाइम ताकि की जल्दी हो सके और एफिशिएंटली हो सके ठीक है तो ये हो गई सीजनल इंडस्ट्रीज की बात सीजनल इंडस्ट्रीज थी जहां कुछ इंडस्ट्रीज में लेबर की डिमांड सीजनल होती थी ठीक है सीजनल इंडस्ट्रीज में हैंड लेबर वॉज प्रेफर्ड वेर वर्कर्स आर एम्प्लॉयड फॉर अ सीजन यहां पे इंडस्ट्रीज का थॉट प्रोसेस ये था कि हमें हैंड लेबर ही लेनी चाहिए बिकॉज हमें तो सिर्फ सीजनल लेवल पे लेबर चाहिए हमें क्या होल ईयर तो चाहिए नहीं है तो वाई शुड बी वेस्ट आर मनी ऑन बाइंग एक्सपेंसिव मशीन एंड मेंटेनिंग सो इट्स बेटर की वी शुड टेक लेबर एज एंड वेन रिक्वायर्ड ड्यूरिंग आर पीक सीजन तो इस थॉट प्रोसेस से हैंड लेबर प्रेफर की जाती थी ठीक है तो ये हो गई सीजनल इंडस्ट्रीज की बात अभी हम मशीन्स की बात करते हैं क्या मशीन्स का बिल्कुल यूज नहीं होता था वैसे देखा जाए तो वेरी लार्जली नहीं होता था लेकिन क्योंकि इसके काफी रीजन थे एक तो है कि सम थिंग्स कुड ओनली बी मेड यूजिंग हैंड लेबर कुछ चीजें हैंड लेबर से ही बनती हैं और किसी चीज से बन ही नहीं सकती इसका एग्जाम्पल है क्राफ्ट एक्सेस हैमर्स विद इंट्रिकेट डिजाइन कुछ चीजें जिनमें बहुत इंट्रिकेट डिजाइन चाहिए बहुत बारीक के डिजाइन चाहिए और जो क्राफ्ट हैं जो uh, आपकी या, हैंडमेड गुड्स की वैल्यू हमेशा बहुत ज्यादा रहती है और आप आज भी किसी के घर जाएंगे तो कहेंगे ये हैंडमेड डेकोरेशन था ऑब्वियसली उसका जो हैंडमेड का आ, होगा, 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 होगा। वो बहुत rare हoga, बहुत beautiful तो ये hammers with intricate designs, एक craft, ये सिर्फ hand से बन सकती थी। इनमें का यूज कम ही रखा जाता था ऑफ स्टैंडर्डाइज गुड्स एंड मास प्रोडक्शन मास प्रोडक्शन जैसे यूनिफॉर्म्स की प्रोडक्शन बुक्स की प्रोडक्शन जहां प्रोडक्शन के लिए मास बल्कि वैल्यू ज्यादा होती थी देम अल ऑफ अरेस्टोक्रेसी एंड रॉयल्टी जो हाई क्लासेस की सोसाइटी थी हाई क्लासेस के जो लोग थे अरेस्टोक्रेट थे स्पेशली फ्रांस में ये बहुत कॉमन था इन लोगों का हैंड गुड से बहुत लगाव रहता था, से बहुत लगाव रहता था और ये हैंडमेड होते थे विक्टोरिया इंग्लैंड तो की बात कहां जहां पर हमने देखा कि मशीन का यूज मिनिमल रहता था सीजनल इंडस्ट्रीज में या किसी भी इंडस्ट्री में हैंड लेबर हमेशा प्रेफर की जाती थी क्योंकि लेबर की पूरी तरह अबंडेंस थी ठीक है अब हम एक बहुत ही स्पेशल कंट्री की बात करते हैं, जो है हमारा सबका फेवरेट अमेरिका अमेरिका में, क्या हुआ? अमेरिका में लेबर अवेलेबल बहुत कम थी इसीलिए क्यों क्योंकि लेबर अवेलेबल कम थी और अगर लेबर अवेलेबल कम थी वहां वेजेस ज्यादा देने पड़ते थे मैंने आपको बताया है। यहां मैंने आपको मैथमेटिकल रिलेशन दिया है अमाउंट ऑफ वेजेस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द नंबर ऑफ वर्कर्स अगर वर्कर्स कम है तो वेजेस ज्यादा देनी पड़ती हैं तो इससे बेहतर इंडस्ट्रियलिस्ट को अमेरिका में लगा कि हम मैकेनाइज लेबर ले लेते हैं मशीनस ले लेते ले हैं ले ले ले, तो हमारा डिपेंडेंस ह्यूमन लेबर पर कम हो जाएगा ठीक है तो दिस मिनिमाइज देयर डिपेंडेंस ऑन ह्यूमन लेबर समझ गए बात तो ये अमेरिका की बात थी तो वहां पे मैकेनाइज लेबर ज्यादा यूज होता था क्लियर इज दैट एब्सोल्युटली क्लियर दैट्स दैट्स रियली गुड अभी हम चलते हैं वर्कर्स की ओर हमने यहां देखा कि ये इंडस्ट्रियलिस्ट के पर्सपेक्टिव से अभी हम, हमने सब कुछ देखा है वहां लेबर चीप थी थी हैंडमेड गुड्स की वैल्यू क्या ऑल एट इट एंड विद द द पर्सपेक्टिव ऑफ इंडस्ट्रियलिस्ट लेकिन अभी हम वर्कर्स का जो है एस्पेक्ट वो बोल रहे हैं वर्कर्स का क्या लाइफ था वर्कर्स का क्या एस्पेक्ट था वर्कर्स का क्या विजन था इसको लेकर फ्रेंड्स वर्कर्स की कंडीशन स्पेशली विक्टोरियन इंग्लैंड में बहुत खराब थी बेसिकली जैसे ही न्यूज ऑफ द जॉब्स स्प्रेड हुई जैसे जॉब्स की खबर स्प्रेड हुई टूवर्ड्स द कंट्री साइड एंड टूवर्ड्स द रूरल एरियाज तो हंड्रेड ऑफ पीपल स्टैंप टू दिटीज हंड्रेड ऑफ पीपल सिटीज की ओर जाने लगे जॉब्स की आड़ में जॉब्स ढूंढने के लिए डिवेंट टू दिटीज जब उनको पता चला कि इंडस्ट्रियलाइजेशन सिटीज में बड़ा है लेकिन जॉब्स मिलना इतना इजी नहीं था गेटिंग जॉब्स वॉजन सो इजी वाई वॉजन इट सो इजी बिकॉज इट डिपेंडेड ऑन सोशल कनेक्शन विच एवरी वन डिड नॉट हैव अब आपको पता है वर्कर्स के नंबर बहुत लार्ज थे बहुत सारे वर्कर्स अवेलेबल थे तो इसके लिए इंडस्ट्रिय uh, को तो फायदा है क्योंकि पे लेस वेजेस लेकिन वर्कर्स के लिए प्रॉब्लम है क्योंकि कंपटीशन बहुत इंक्रीज हो जाता है कंपटीशन बहुत ज्यादा रहता है एंड बिकॉज द कंपटीशन इज मोर ऑब्वियसली हैव टू कंपीट फॉर जॉब्स So, उनके लिए आसान हो जाता था अगर उनके पास सोशल कनेक्शन होता था जैसे किसी फैक्ट्री में उनका कोई जान पहचान का काम करता है तो उनके लिए वहां जॉब मिलना उनके लिए इजी हो जाता था बट नॉट एवरी वन है कनेक्शन और इन्हें वीक्स तक वेट करना पड़ता था जॉब मिलने के लिए अभी इस दौरान वेन वर रनिंग अनएम्प्लॉयड दे हैड टू स्पेंड नाइट इन वेरी पिटेबल कंडीशन दे हैड टू स्पेंड नाइट अंडर ब्रिजेस एंड नाइट शेल्टर्स के अंदर छोटे छोटे बच्चे वुमेन मैन सबको यहाँ ग्रुप में रहना पड़ता था और ये कितना कंजस्टेड होता होगा आप खुद ही सोच सकते हैं उनकी कंडीशन बहुत खराब थी यहां तक कि उनको कभी कभी खाने को भी टाइम का नहीं मिलता था ठीक है मैं आपको एक पिक्चर दिखाता हूं आप यहां देख सकते हैं हाउ इट इज सो कंजस्टेड इज आर ऑल वर्कर्स यू कैन सी देर वेटिंग इन लाइन टू गेट जॉब्स सो मच के और आप देख सकते हैं यहाँ पे बहुत कॉम्पिटिशन रहता था बच्चों तक का कॉम्पिटिशन uh, रहता था बच्चे थे बड़े थे, थे। this, तो अभी नाइनटीन uh, सेंचुरी की अगर हम बात करें तो उस टाइम वेजेस सम वॉट इंक्रीज की गई लेकिन उनका इफेक्ट वर्कर्स पर नेग्लिजेबल रहा इसका लाइफ ऑफ द वर्कर्स पर ज्यादा इफेक्ट नहीं हुआ ज्यादा इंप्रूवमेंट नहीं हुई वर्कर्स की लाइफ में ठीक है हालांकि वेजेस थोड़ी बहुत ही इंक्रीज की गई लेकिन उसके ओवरऑल वर्कर्स की लाइफ पर ज्यादा अफेक्ट नहीं हुआ ठीक है तो ये हुई जनरलाइज लाइफ ऑफ वर्कर्स की बात लेकिन एक एस्पेक्ट हमें कंसिडर करना पड़ेगा वो था नेपोलियनिक वॉर का एस्पेक्ट नेपोलियनिक वॉर्स आपको पता है ये वो वॉर्स थी जिसमें नेपोलियन का एक्टिव इन्वॉल्वमेंट था नेपोलियन फ्रांस के एक बहुत बड़े रूलर थे डिक्टेटर थे और इन्होंने अपनी इंफ्लुएंस पूरे यूरोप में स्प्रेड करने के लिए वॉर्स लड़ी थी तो व्हेन द नेपोलियनिक वॉर्स वर गोइंग ऑन उस टाइम पे द प्राइसेस ऑफ गुड्स इंक्रीज शार्पली उस टाइम प्राइसेस एवरीडे गुड्स खाना पीना ग्रोसरीज फूड ब्रेड इन सब की प्राइस बहुत इंक्रीज हो गई क्योंकि इनको इंपोर्ट करना डिफिकल्ट होता था नाउ इसके कारण वैल्यू ऑफ द वेजेस फेल ऐसा नहीं कि वेजेस कम हो गई वो नहीं है लेकिन आप उसी वेज से कम चीजें खरीद पाओगे सेम वेज कुड नाउ बाय यू फ्यूअर थिंग्स बिकॉज कॉस्ट ऑफ समथिंग आप सपोज करो आपको एक्स रुपीज मिलते हैं एज अ वेज पर आर ठीक है अब कोई गुड है या कोई ब्रेड है सपोज वो मुझे ट्वेंटी रुपीज में कॉस्ट होती है अगर नेपोलियनिक वॉर हुई उसका कॉस्ट फोर्टी रुपीज हो गया इट चेंज टू फोर्टी रुपीज लेकिन मेरा वेज तो एक्स रुपीज ही रहा है तो अगर मैं एक्स रुपीज से वन आ, टू सकता हूं, टू सकता हूं, जब वो ट्वेंटी रुपीज की है तब फोर्टी रुपीज है, तो वो डबल हो गई कॉस्ट, तो आई कैन बाय ओनली हाफ द नंबर आई कुड बाय लेस नंबर ऑफ थिंग्स विद क्योंकि वेजेस तो इंक्रीज नहीं हुई ना सिर्फ वैल्यू ऑफ गुड्स इन द मार्केट इंक्रीज तो इससे अगेन वर्कर्स की लाइफ पे जो कि एम्प्लॉयड वर्कर्स भी थे उनकी लाइफ में भी काफी अफेक्ट हुआ तो आप सोचिए अनएम्प्लॉयड के लिए कितना डिफिकल्ट होता होगा क्योंकि उनके पास तो जॉब्स भी नहीं है फिर भी उनके लिए कॉस्ट ऑफ लिविंग इंक्रीज हो गई है क्लियर तो ये थी लाइफ ऑफ वर्कर्स आप देखते हैं बहुत बहुत पिटिएबल कंडीशन में वर्कर्स की लाइफ रहती थी अब हम बात करते हैं टेक्नोलॉजी की अब जब टेक्नोलॉजी आई तब क्या हुआ वॉट हैपन वेन टेक्नोलॉजी के अब तो आपको पहले ही पता है जॉब्स उनको मिल नहीं रही हैं जिनके पास जॉब्स हैं वहां पे अगर टेक्नोलॉजी इंप्रूव हो गई वहां अगर टेक्नोलॉजी का इंट्रोडक्शन हो गया तो वो तो भूखे मर जाएंगे उनकी भी जॉब्स चली जाएंगी तो जब न्यू टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस हुई वर्कर्स फियर द लॉस ऑफ जॉब्स एंड दे टर्न हॉस्टाइल उन्हें गुस्सा आ गया और उन्हें डर लगने लगा कि दे विल गेट अनएम्प्लॉयड उनकी जॉब चली जाएगी और वो गुस्से में आ गए वो वायलेंट हो गए और जब स्पिनिंग जेनी जो कि एक वीविंग डिवाइस था इसकी पिक्चर आप यहां देख सकते हैं ये एक वीविंग डिवाइस था जिसे जेम्स हारग्रीव्स ने 1794 में डिजाइन किया था और यह बहुत इजीली वीविंग कर देता था वुलन सब वुलन फैब्रिक की बहुत आसानी से वीविंग कर देता था कॉटन फैब्रिक की भी बहुत आसानी से वीविंग कर देता था अब ये स्पिनिंग जर्नी जब इंट्रोड्यूस इंट्रोड्यूस हुई वुलन इंडस्ट्रीज में वुमेन जो हैंड स्पिनिंग में इन्वॉल्व थी उन्हें बहुत गुस्सा आ गया वो हॉस्टाइल होगी एंड दे बिगैन अटैकिंग द न्यू मशीन वो न्यू मशीन को अटैक करने लगी उन्हें तोड़ने लगी उन्हें जलाने लगी क्योंकि उन्हें गुस्सा आ गया कि ये स्पिनिंग जेनी उनकी नौकरियां छीन लेगी उनके मुख का खाना छीन लेगी तो ऑब्वियसली उनके उनमें बहुत गुस्सा उमड़ा एंड दैट इज वाई वेंट हॉस्टाइल टू द स्पिनिंग जेनी ठीक है लेकिन इस दौरान ही एटीन में एक नया होप का एरा आया क्यों आया जरा देखते हैं 1840s में बिल्डिंग एक्टिविटी इंटेंसिफाई हो गई सिटीज में सिटीज में बिल्डिंग एक्टिविटी इंक्रीज हो गई इंटेंसिफाई हो गई और जब ये बिल्डिंग एक्टिविटी इंक्रीज हुई ऑब्वियसली बिल्डिंग के लिए तो आपको लोग चाहिए लेबरर्स चाहिए सो वर ग्रेटर अपॉर्चुनिटीज फॉर एम्प्लॉयमेंट एम्प्लॉयमेंट के लिए बेटर अपॉर्चुनिटीज बनी रेलवेज बनने लगे रोड्स वाइडन होने लगी लाइंस सीवेज लाइंस ड्रॉ होने लगी बहुत सारा काम बिल्डिंग का शुरू हो गया क्योंकि सिटी में डेवलपमेंट स्टार्ट हो गई थी डेवलपमेंट वर्क स्टार्ट हो गए थे और इसके लिए एम्प्लॉयमेंट रेट्स बढ़ गए इन ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल इन दिस एरा इन दिस पीरियड द नंबर ऑफ वर्कर्स इन द ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री डबल जो इस रेलवे मेकिंग में रोड वाइडनिंग में सीवेज लाइनिंग में काम करते थे उनका वर्किंग पॉपुलेशन वर्किंग क्लास 20 परसेंट इंक्रीज हो गया सॉरी डबल uh, हो गया फिफ्टी परसेंट इंक्रीज हो गया क्लियर सो so आप देख सकते हैं कैसे डबलिंग हुई हंड्रेड परसेंट इंक्रीज हुआ और एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इस टाइम पे बेटर हुई तो इस टाइम पर और जॉब इंक्रीज हो गई और जॉब्स इंक्रीज हो गई मतलब अगर आपके पास किसी फैक्ट्री में जॉब नहीं है सो तो आई बिल्डिंग इंडस्ट्री तो और जॉब इनक्रीज हो गई और लोगों के लिए बेटर जॉब ऑपरचुनिटी खोल गई ठीक है बेटर जॉब ऑपरचुनिटीज खोल गई और उनकी इनकम भी थोड़ी बेटर हो गई थैंक यू फ्रेंड्स आई होप दुल्यूटली क्लियर सो विद डन विदेंड यूनिट ऑफ द चैप्टर द एज ऑफ इंडस्ट्रियालाइजेशन दैट इज हैंड लेबर एंड स्टीम पावर की कैसे हमने देखा कि मशीन्स का यूज कम हुआ हैंड लेबर का यूज हमेशा ज्यादा रहता था और कैसे हैंड लेबर को जब स्टीम या क्या कहते हैं टेक्नोलॉजी रिप्लेस करने लगी तो तब लोग हॉस्टाइल हो गए तो थैंक यू वेरी मच कमेंट सेक्शन बिलो डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल इफ यू टू गो टू द नेक्स्ट लेक्चर जस्ट क्लिक अ गुड डे